राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मुरादाबाद जनपद के बैनर तले सिविल लाइन स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस के मीटिंग हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अन्याय के विरुद्ध हमेशा राज्य कर्मचारियों के साथ खड़े रहने वाले स्वर्गीय बीएन सिंह की 23वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में सबसे पहले स्वर्गीय बीएन सिंह को खैराज अकीदत पेश की गई और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद मुरादाबाद के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि आज का दिन उनके लिए एक अहम दिन है। वे अपने संगठन के उस योद्धा को याद कर रहे हैं जिसने सारी जिंदगी उनके हितों की रक्षा की। आज भले ही वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बताई बातों पर चलकर सभी लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलकर वे अपने साथियों की आवाज को और बुलंद कर सकते हैं। प्रदेश लेवल पर राज्य कर्मचारी परिषद द्वारा परम आदरणीय बीएन सिंह जी की परिवार दिवस मनाया गया, जिसमें राज्य कर्मचारी परिषद जिला मुरादाबाद से संबद्ध जितने संगठन हैं उन सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। चालक संघ, विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य परिषद और वाणिज्यिक कर वर्क चार्ज कर्मचारी संघ, इस प्रकार से तमाम संगठनों द्वारा आज प्रतिभाग किया गया है। और ये ऐसे पुरोधा हैं कर्मचारियों के, जिनको नमन करना, जिनको याद करना प्रत्येक कर्मचारी को एक गौरव की बात है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रत्येक कर्मचारी को भारत सरकार की कर्मचारियों की भांति पेंशन दिलाने का काम किया था। ऐसे पुरजोर योद्धा को हम लोग बड़ी श्रद्धा से उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि प्रत्येक वर्ष मनाने का हम लोग संकल्प भी लेते हैं। आपको बताते चलें कि राज्य कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले, हमेशा उनके हितों में खड़े रहने वाले बीएन सिंह एक ऐसा नाम रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। स्वर्गीय बीएन सिंह ने कर्मचारियों के हितों को लेकर संघर्ष किया और कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए काम किया।